पिछले दो दिनों से धूप के साथ ठंडी हवाओं का दौर जारी है और आज तो सुबह से ही हवा तेज चल रही है। इसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा, हम आपको बताते हैं। आज से पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से तीन दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में जहां तेज हवा चलने, गरजने वाले बादल और हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ज्यादा असर दिखेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। इसी के साथ आने वाले मौसम का क्या हाल रहेगा, बताया है मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने। मौसम का अगर अलर्ट का बात करें तो एक है गर्मी का फोरकास्ट, जो है आपका हीट वेव के दौरान बात अगर करें तो लगभग पूरा देश से ही हमारा अभी हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरला में आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कल से सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के लिए रहेगी, बाकी पूरे देश से हीट वेव निकल गया है। ये भी हम येलो अलर्ट के साथ जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है इम्पैक्ट का। अगर आप थंडरस्टॉर्म की बात करें तो अभी जो मेन देश में टेम्परेचर्स डिक्रीज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा देश में ही स्ट्रांग साउथ ईस्टर्ली मॉइस्चर फ्लो बे ऑफ बंगाल से आ रही है, जिसके चलते आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया में। इससे काफी बिजली के प्रकोप से काफी लोगों का जान का हानि भी हुआ है और स्पेशली इलेक्शन सीजन में हम आपके माध्यम से आपका पब्लिक को सचेतन करना चाहते हैं कि ये थंडरस्टॉर्म्स के साथ बहुत स्ट्रांग लाइटनिंग का, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी रहेगा। स्पेशली अगर आज का बात करें तो हम अलर्ट जारी किए हैं आपका सारा साउथ पेनिनसुला में, साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश और नॉर्थ के तरफ आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ईस्ट यूपी से ईस्टर्न साइड जो है यानी कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्य सभी में हमने थंडरस्टॉर्म्स का वार्निंग जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में थोड़े बादल छाए रहेंगे। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। शनिवार की बात करें तो शनिवार और फिर रविवार को भी दिल्ली में हल्की बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।